हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्य श्वेता किचन। आज हम बनाते हैं बाटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत आसान है। यूपी बिहार की फेमस रेसिपी है। चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है चना, तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप चना लिया है। मान के चलिए ये 150 ग्राम के लगभग है। इसका हम छिलका निकाल लेंगे, जितना आसानी से निकल जाए उतना ही हमें इससे अलग करना है छिलके को। और यहाँ पर ये देखिए इतना सा छिलका निकला, इसे साइड करते हैं। और अब इन चनों को हम कर लेते हैं ग्राइंड। तो यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसके अंदर इसे ऐड करके इसका एक दरदरा सा हम पाउडर रेडी करेंगे। बिल्कुल फाइन हमें नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा ही चाहिए। तो ये देखिए ये पाउडर हमारा तैयार हो चुका है चने का। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। और अगर आपके पास भुना चना नहीं है तो आप बेसन को भी ड्राई रोस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम डो लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 कप गेहूँ काटा, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। 1/2 पिंच यहाँ पर सोडा का इस्तेमाल किया, खाना सोडा का। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट डो हम लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड कीजिएगा और डो को टाइट ही रखिएगा, डो को सॉफ्ट नहीं रखिएगा। तो ये डो हमारा तैयार हो चुका है और अब हम बना लेते हैं चटनी। तो यहाँ पर मैंने 15 से 16 मिर्च ले रखी है। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है अदरक, इसे मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है छील करके। और यहाँ पर मैंने ले लिया है लहसुन। तो आपको अगर लहसुन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप गार्लिक को बढ़ा सकते हैं। और फिर मैंने ले लिया है 1 कप हरा धनिया, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है क्लीन करके। और अब इन सबको हम चॉपर में डाल के फाइनली चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर में भी इसे दरदरा पीस सकते हैं या फिर नाइफ से कट करके भी डाल सकते हैं। तो इन सबको इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। और ये देखिए जो धनिया के डंठल होते हैं ना मोटे मोटे से, इसे आप फेंकिए नहीं, इसे भी आप इसके अंदर ऐड कीजिए। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए इस तरीके का होता है ये, और इसे आप फेंकिए नहीं, इसके अंदर ऐड कर दीजिए और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और इसे हम चॉप कर लेंगे। तो बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाता है। और हाँ, अगर आप जो है बेसन का बना रहे हैं तो आप बेसन को मीडियम फ्लेम पर ही भुनिएगा। तो ये देखिए ये तैयार हो चुका है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक अलग प्लेट में और इसमें हम एक प्याज को चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में डाल दिया। अब यहाँ पर एक प्याज को मैंने मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे भी हम उसी प्रोसेस से चॉप कर लेंगे। ये भी रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस पे। तो यहाँ पर हम चने के पाउडर को एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून मिक्सचर, जो अभी हमने रेडी किया हुआ था। और टेबल स्पून से ही लीजिएगा क्योंकि इसे हम पूरा भर भर के ही डालेंगे इसके अंदर। अब 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे हम अजवाइन, इसे क्रश करके डालिए। इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होती है। अब हम लेंगे नमक और स्वाद के अनुसार इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। 1 चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर देंगे अचार का मसाला। और यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ 2 चम्मच सरसों का तेल। अगर आपके पास अचार का मसाला नहीं है तब आप चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं नींबू का रस 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आप खट्टा कम पसंद करते हैं तो कम ऐड कीजिए। अब जो हमने प्याज को कट करके रखा था वो भी ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप थोड़ा इसे मलते हुए मिक्स करेंगे ना तो इसके दाने दाने में सारा फ्लेवर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और हमारा डो भी रेडी है। तो अब हम बनाते हैं बाटी। यहाँ पर हम जो आटे का डो लगाया था उसमें से छोटा छोटा सा पोर्शन लेंगे। तो हमें बहुत बड़ी बाटियाँ नहीं बनानी है क्योंकि हम गैस पर बनाने वाले हैं। तो मीडियम साइज़ का हम इसमें से पेड़ा बनाएंगे और उसे रोल कर लेंगे। तो इस तरीके का देखिए मैं इसे रोल कर लेती हूँ और फिर इसे हम ये 2 अंगूठे रखेंगे बीच में और 4 की 4 उंगलियाँ पीछे। और इस तरीके से हम घुमाते हुए उंगलियों से घुमाएंगे और अंगूठों से दबाते हुए इसका हम एक बाउल का शेप दे लेंगे। तो ये देखिए ये बाउल का शेप रेडी हो गया है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी फिलिंग, जो अभी हमने तैयार की थी ना चने वाली वो। और इस तरीके से स्पून से इसे हम प्रेस कर देंगे साइड साइड से ताकि ये निकले नहीं। और फिर से हम अंगूठों से इसे दबाते जाएंगे और उंगलियों से इस तरीके से हम अंदर की तरफ आटे को फोल्ड करते जाएंगे। तो ये देखिए ये आराम से पूरा बंद हो जाएगा, फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी और कहीं से भी हमारी बाटी फटेगी नहीं। और इस तरीके से हम इसका जो एक्स्ट्रा डो है निकाल सकते हैं और इसे अंदर की तरफ टक करके इसका एक राउंड राउंड सा बिल्कुल अच्छा सा शेप दे सकते हैं। तो बहुत ही गोली गोली सी बाटी तैयार कर सकते हैं आप। और अगर आपका हाथ चिपक रहा है तो आप हल्का सा सूखा आटा लीजिए उंगलियों में और फिर सेम प्रोसेस को अपनाइए। तो बहुत ही आसानी से वो घूम जाएगा और सेम प्रोसेस से हम फिर से इसे फिल कर लेंगे फिलिंग इसके अंदर ऐड करके। और इस तरीके से प्रेस करते हुए फिर से हम इसे
उसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो सारी बाटियाँ हमारी बहुत ही गोल बनेंगी, बहुत ही सुंदर बनेंगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो सारा प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा, आपकी बाटी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो सारी बाटियों को मैंने तैयार कर लिया है, अब हम चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस पे। तो अब हम रखेंगे एक तवा मीडियम फ्लेम पे और उसके ऊपर रखेंगे कप्पे पैन। तो तवा ज़रूर रखिएगा और फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा, सिर्फ हल्का हल्का सा इसे गर्म होने देना है। और उसके बाद इसमें हमें डायरेक्ट बाटी को रखना है, कोई ऑयल कोई घी को ग्रीस नहीं करना है। और सारे बाटियों को इसमें रखने के बाद इसे हम कवर कर देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए और फिर इसे हम चेक करेंगे। तो इसको आपको बार बार चेक करना पड़ेगा और बहुत ही अच्छी सी बाटी इसमें से बन के आएगी। तो ये देखिए 1.5 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम पलट देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये हल्का हल्का सा सिर्फ टाइट हुआ है, हल्का सा ड्राई हुआ है। तो इसी स्टेज पे आपको इसे पलटना है और सारी बाटियों को इसी तरीके से हम पलट देंगे और फिर से इसे हम कवर कर देंगे। और बीच बीच में आपको इसे चेक करते रहना है, हर 2-3 मिनट पर फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है, लो टू मीडियम पर। और ये देखिए मैंने कई बार इसे चेक किया है, 2 से 3 बार मैं इसे चेक कर चुकी हूँ। और इसी तरीके से आप चेक करते रहेंगे ना तो मैक्सिमम 10 से 12 मिनट्स आपकी सारी बाटियाँ तैयार हो जाएंगी। मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगते हैं और बहुत ही सुंदर बहुत ही टेस्टी बाटी हमारी बन के आती है। और ये हमने अप्पे पैन में बनाया है, जिसमें अप्पे बनाते हैं ना उसी में, ज़रूरी नहीं कि हम अप्पे पैन में अप्पे ही बनाएं, बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो हम अप्पे पैन में बना सकते हैं। तो बाटी हमारी तैयार हो चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं और इस तरीके से हम घी में इसे पोर कर देंगे। तो घी में पोर करने के बाद इसे हम हल्का सा फोड़ देंगे ना, तो इसके अंदर जब घी चला जाएगा तो बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा सा आएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो मैं सारी बाटियों को इस तरीके से तैयार कर लेती हूँ पहले। और अगर आप घी इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं तो आप हल्का सा घी का ब्रश इसके ऊपर कीजिए, तो उससे बहुत ही अच्छी महक भी आएगी और टेस्ट भी आएगा और घी भी कम लगेगा। तो इस तरीके से ये मेरी बाटी हो गई है, अब मैं फटाफट से सारी तैयार कर लेती हूँ और फिर फटाफट से मैं इसकी करती हूँ प्लेटिंग। तो ये मेरी सारी बाटियाँ तैयार हो चुकी हैं और ये देखिए मैंने इसे भरते के साथ सर्व किया है, बहुत ही टेस्टी लगती हैं और साथ में मिर्च का अचार है। तो आप लोगों को ये रेसिपी पसंद ज़रूर आई होगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। और फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक